आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स का छापा, घर और कारखाने में शुरू हुई छापेमारी। कन्नौज के दो इत्र व्यापारियों पर छापेमारी, इत्र निर्माता मलिक मियां पर भी छापेमारी, दोनों के कारखानों और घरों पर हो रही छापेमारी। सदर स्थित मंडई छिटप्पी में छापेमारी जारी। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा एमएलसी पुष्पराज जैन के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। चंदौली जाएंगे ग्राम विकास राज्य मंत्री मोती सिंह, मुगलसराय के सुभाष नगर में करेंगे जनसभा, मां काली मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। चंदौली जाएंगे ग्राम विकास राज्य मंत्री मोती सिंह, मुगलसराय के सुभाष नगर में करेंगे जनसभा, मां काली मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। चंदौली जाएंगे ग्राम विकास राज्य मंत्री मोती सिंह, मुगलसराय के सुभाष नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, मां काली मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से तीन छात्राएं लापता। 30 दिसंबर को परीक्षा देने गई थी छात्राएं, परिजनों ने पुलिस को दी सूचना, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से तीन छात्राएं हुई लापता। 30 दिसंबर को परीक्षा देने गई थी छात्राएं, परिजनों ने पुलिस को दी इसकी सूचना। तीन छात्राएं लापता, बड़ी खबर सामने आ रही है, 30 दिसंबर को परीक्षा देने गई थी छात्राएं, परिजनों ने पुलिस को दी इसकी सूचना। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र से तीन छात्राएं लापता। 30 दिसंबर को परीक्षा देने गई थी, जिसके बाद से लापता है तीनों छात्राएं, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।